यूजीसी नेट जून 2015 का क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन सी प्लस प्लस। इनके अंदर से हमें निकालना है कि इनके अंदर से इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, व्हेन वी राइट ओवरलोडेड फंक्शन, जब भी हम ओवरलोडेड फंक्शन को लिखेंगे, वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूज, हर एक यूज के लिए हमें फंक्शन कोड करना पड़ता है, तो हमें बताने ट्रू है फॉल्स है, और यह क्या है, ट्रू है। आपको पता होगा कि ओवरलोडेड फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे कोई फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, ओके, डेफिनेशन दे रखी है मैथ या इंटीजर टाइप के, इसमें रिटर्न टाइप इंट लगा दीजिए, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करें कि इंट ए इंट बी, ओके, और इसी फंक्शन को मैं वापस ऐसे लिखता हूँ इंट मैथ और इंट ए, और फिर लिखता हूँ इंट मैथ और यह छोड़ता। तो देखिए नाम देखिए इस फंक्शन का क्या है, सेम है, पैरामीटर्स हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए बार बार, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन को ओवरलोड करना, एक ही फंक्शन है पर हमने इसको ओवरलोड कर दिया। कैसे कर दिया, हमने इसके पैरामीटर्स क्या कर दिए, बार बार चेंज कर दिए। अब पैरामीटर्स बार बार चेंज किए तो ऑब्वियसली बात है, इस फंक्शन की जब मैं डेफिनेशन दूंगा, तो ए और बी दोनों का रेफरेंस दूंगा ही, इसके अंदर कहीं ना कहीं ए और बी का मैं यूज़ करूंगा ही करूंगा, ओके। और अगर मैं इसका यूज़ करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक वेरिएबल का यूज़ करना ए, और अगर मैं इसका यूज़ करूंगा तो हो सकता है अंदर वाली साइड मैंने वेरिएबल यूज़ कर रखे हो, उनका यूज़ करके मैं इसका आंसर कैलकुलेट करूंगा। तो ओवरलोडेड फंक्शन के अंदर जब भी आप फंक्शन को ओवरलोड करोगे अलग अलग पैरामीटर से, तो आपको हर समय उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाला जो आंसर है, व्हेन वी राइट ओवरलोडेड फंक्शन वी मस्ट कोड द फंक्शन फॉर ईच यूज, हर एक यूज के लिए आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन या कोड करना ही पड़ेगा। बी देखिए, व्हेन वी राइट फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली मस्ट। देखिए अगर आपने टेम्पलेट का यूज किया हो तो आपको पता होगा कि टेम्पलेट का यूज हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कि देखिए जब भी मान लीजिए कि अगर मुझे कोई सॉर्टिंग करनी है और मुझे अलग अलग डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, कभी मैं इंटीजर डालूंगा कभी डबल डालूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर समय मुझे अलग अलग पैरामीटर्स पास करेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने इंट के पैरामीटर पास किए तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर भी इंट का लेना पड़ेगा। अगर मुझे डबल वाले सॉर्ट करने सॉर्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा। कुल मिला के हर एक डेटा टाइप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। या मान लीजिए मुझे डेसिमल लेना है तो मुझे वापस सॉर्ट करके फिर से एक अलग से फंक्शन बनाना। इस तरीके से देखिए सॉर्ट एक ही है पर मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, एक किसी नए वेरिएबल से डिक्लेयर कर देंगे, ओके मान लीजिए टी ले लिया, और अंदर जो पैरामीटर पास करेंगे वो भी इस टी टाइप का होगा, और ये टी क्या होगा, टेम्पलेट होगा। हम इसे क्या करेंगे, टेम्पलेट से डिक्लेयर कर देंगे, ओके। तो टेम्पलेट का काम क्या होता है, व्हेन वी राइट अ फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन ओनली वंस, हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक ही बार कोड करना पड़ेगा, एक ही बार कोड करना पड़ेगा। जैसे सॉर्ट लिख लिया, ओके, और हमने टी टाइप इसका रिटर्न दे दिया ए, ओके, और इसका रिटर्न टाइप भी हमने टी कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, टी के सिर्फ क्या करूँगा, डाटा टाइप चेंज करूँगा, एक बार इंट पास करूँगा, एक बार डबल पास करूँगा, एक बार डेसिमल पास करूँगा। तो देखिए कोड जो था इसके अंदर एक ही बार लिखा, पर मैंने क्या कर दिया, सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दिया बार बार। तो ये सही लिखा हुआ है, व्हेन वी राइट अ फंक्शन टेम्पलेट वी कोड द फंक्शन टेम्पलेट ओनली वंस, सही है, सही है, एक ही बार मुझे कोड करने की जरूरत पड़ेगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग मैक्रोस, ये भी सही है, मैक्रोस को डिबग करना डिफिकल्ट होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, टेम्पलेट्स आर मोर एफिशिएंट देन मैक्रोस, हाँ ये वाले भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है, टेम्पलेट मोर एफिशिएंट होते हैं मैक्रोस के कंपेयर में। टेम्पलेट के अंदर जो कंपाइलर टाइप चेकिंग होता है, एरर चेकिंग होता है, वो क्या होता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है मैक्रोस के कंपेयर के अंदर। तो यह ओवरऑल आप देखेंगे तो सारे के सारे आंसर क्या है, ट्रू है, इसके अंदर इनकरेक्ट कोई भी आंसर नहीं है, ओके, इनकरेक्ट इसके अंदर कोई भी आंसर नहीं है, सारे के सारे क्या है, ट्रू है इस क्वेश्चन के अंदर।